चुनावी सभा के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। कहा एक दौर था जब लाल चौक पर आने और तिरंगा फहराने में लोग डरते थे, अब तस्वीर बदल गई है। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर का विकास है। श्रीनगर की जनसभा में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले तीन खानदान छीनते थे आपका हक, तीन खानदान ने बेचा नफरत का सामान, तीन खानदान ने लोकतंत्र को कर दिया खत्म। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कांग्रेस और पाकिस्तान में चल रही है जुगलबंदी, राहुल और पाकिस्तान की शब्दावली भी एक है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा, पहले ये सब छिपकर होता था अब खुलेआम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रभारी बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, बोले राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के इशारे पर कर रहे हैं काम। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा पाकिस्तान क्या कहता है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं भारतीय नागरिक। हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, संकल्प पत्र में बीजेपी ने किए 20 वादे, महिलाओं को 2100 रुपए, एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद, 10 औद्योगिक शहरों के निर्माण और 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा प्रहार, कहा हरियाणा में बीजेपी की होगी हार, महाराष्ट्र में नहीं बनेगी सरकार, हार के डर से घबराई हुई है बीजेपी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा यूपी के सीएम है मठाधीश, हार से इनका बिगड़ा संतुलन, यूपी में ठोको नीति का चलन, मठाधीश सीएम से कोई उम्मीद नहीं, बुलडोजर वाली सोच से निकलना होगा बाहर। अयोध्या में सीएम योगी ने एसपी पर बोला हमला, कहा पहले प्रदेश में माफिया चलाते थे सरकार, अखिलेश की सरकार में चरम पर थी अराजकता, राम भक्तों पर एसपी ने चलवाई थी गोलियां। 21 सितंबर को होगा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, आतिशी का शपथ ग्रहण, आतिशी के साथ बाकी मंत्री भी लेंगे शपथ। 21 सितंबर को गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ, मुकेश अहलावत भी कैबिनेट में होंगे शामिल। उज्जैन इंदौर के बीच 6 लेन सड़क का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया भूमि पूजन, 1692 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी सड़क। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंदिर में पुजारियों ने राष्ट्रपति से कराई पूजा और जलाभिषेक, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत राष्ट्रपति ने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। बिहार के नवादा से सटे महादली टोला में दबंगों का कहर, फायरिंग करते हुए 80 घरों में आग लगा दी, 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों के घर जलकर खाक। नवादा में जले हुए घरों के बाहर मदद के इंतजार में भूखे प्यासे बैठी है महिलाएं, आक्रोशित लोगों ने कहा प्रशासन नहीं कर रहा मदद। नवादा की घटना को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, हाई लेवल समीक्षा बैठक के बाद बिहार की सभी जेलों में तलाशी अभियान के निर्देश दिए। नवादा मामले पर बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, कहा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं जीतन राम मांझी, घटना की जांच पड़ताल कराकर पीड़ित समाज के बारे में लगाएंगे पता। नवादा हिंसा के आरोपी नंदू पासवान को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, 2014 में आरोपी नंदू ने पुलिस विभाग से लिया था रिटायरमेंट, आगजनी वाली जगह पर है नंदू की जमीन। बिहार के नवादा में हुई घटना को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, प्रशासन ने अभी तक आग के हवाले किए गए 21 घर चिन्हित किए। मुंबई के अंधेरी में एक बंगले में लगी आग, आग की ऊंची ऊंची लपटों से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्जनों गांव बाढ़ में डूबे, शारदा में समाया नदी किनारे बना शिव मंदिर, बाढ़ की आगोश में आने से सैकड़ों बीघा किसानों की फसल हुई बर्बाद। यूपी के सोनभद्र में रिहंद बांध और उबरा बांध के खोले गए गेट, लगातार बारिश से बांध में बढ़ रहा है पानी, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट किया गया जारी। सोनभद्र में भारी बारिश बनी मुसीबत, बारिश से कई हिस्सों में भीषण जल भराव, पानी के तेज बहाव के चलते सड़कों में हुआ कटाव। सोनभद्र में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसा, अपने घरों से पानी निकालते दिखे लोग, घरों के पास भरा गंदा पानी, लोगों को डर सता रहा है गंभीर बीमारियां होने का। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा की चपेट में आए कई गांव, बाढ़ में डूबी सैकड़ों बीघा फसल, अलर्ट मोड पर है प्रशासन, लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, खतरे के निशान पर बह रहा है पानी, घाटों के पानी में डूबने से सड़क पर हो रहे हैं अंतिम संस्कार।
प्रयागराज में रिहायशी इलाके पानी में डूबे, समंदर की तरह नजर आ रहा है पूरा इलाका। लोगों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री, छतों पर कैद हुए लोग। यूपी के चंदौली में कर्मनाशा नदी में अचानक से आ गया तेज बहाव, नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य पर रोक लगी। बाढ़ के पानी में डूबी जेसीबी मशीन, तीन लोगों का रेस्क्यू किया। यूपी के बलिया में गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप, पानी के बहाव से कटे कई सड़क मार्ग, NH 31 भी बाढ़ से प्रभावित, बिहार जाने वाले वाहनों को रोका गया। पटना में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, कई घर पानी में डूबे, ऊंचे स्थानों पर पलायन करते दिखे ग्रामीण। बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी का रौद्र रूप, आसपास के इलाके बाढ़ में डूबे, सैकड़ों घर बाढ़ से हुए प्रभावित, खाने पीने की चीजों के लिए मंडराया संकट। बिहार के समस्तीपुर में उफान पर बह रही है गंगा नदी, सहायक नदियों का भी बढ़ गया है जलस्तर, बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, घरों और स्कूलों में भी भरा पानी। यूपी के संभल में लगातार हो रही भारी बारिश से नुकसान, ऐतिहासिक चक्की का पाट गिरा, दावा है कि 16वीं शताब्दी में आल्हा उदल ने चक्की के इस पाट को ऊंची दीवार पर टांग दिया। राजस्थान के दौसा में 18 घंटे के बाद 35 फीट बोरवेल से मासूम का हुआ सफल रेस्क्यू, मासूम को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल, मासूम के परिजनों ने ली राहत की सांस। उपचुनाव को लेकर लखनऊ में BSP की बैठक, जिले स्तर के नेता बैठक में शामिल हुए, संगठन और टिकटों पर चर्चा संभव। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, ये लोकतंत्र का अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बीजेपी के सहयोगी दलों ने किया समर्थन, एकनाथ शिंदे ने कहा समय और पैसे की होगी बचत, मांझी बोले कानून व्यवस्था नहीं होगी प्रभावित। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले लालू यादव, कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में संभव नहीं, घबराहट के चलते पीएम मोदी देश को कर रहे गुमराह। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया संविधान के खिलाफ, कहा मोदी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं काम। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में BSP मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी। तीन मंत्रियों को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी, राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे विपक्ष से बात।